अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गोलू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अमेजिंग विजन टिप्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है और मैंने मेरे कबूतर खोलने का था अभी। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि कबूतर के पेट के कीड़े और उनके पेट में जो मतलब हो जाते हैं उनको कैसे बाहर निकालें। तो काफ़ी सारे भाई ने मुझे कमेंट किया था इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो दोस्तों आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कौन सी दवा है, कैसी देना है, सारा कुछ वीडियो में रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं पानी की टाके में हमने कुछ डाली नहीं, अभी पानी भी नहीं भरे और अभी सारा कुछ हमने साफ़ सफाई करके रखे। तो चलिए दोस्तों पहले पानी भरते हैं और पानी के अंदर कौन सी चीज़ ऐड करना है तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी सारे कबूतर बंदे मेरे, तो अभी हम हमारे कौन सी चीज़ देंगे कबूतर को वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले कबूतर खोल लेते हैं और कबूतर की आज हम डीवॉर्निंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पानी के अंदर हम एक चीज़ ऐड करेंगे, तो पहले पानी को ढक के रखते और कबूतर को एक बूंद भी पानी नहीं पिलाना है। पहले कबूतर को दाना खिलाना है। आप मेरी ये पूरी बात को गौर से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आ वीडियो अगर पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा वीडियो में। तो मैं आपको सारा कुछ रियल दिखाऊंगा वीडियो के अंदर में, कैसे कीड़े निकलते हैं, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों पहले खोलते हैं कबूतर। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं कबूतर और खोलने के बाद दोस्तों कैसी प्रक्रिया रहेंगी कबूतर के पेट के कीड़े निकालने की, कैसे हम कबूतर के पेट की डीमॉर्मिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो के एंड तक देखते रहना, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों पहले पेटी खोलते हैं, पेटी खोलने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अभी सारे कबूतर मस्ती में और कबूतर को पानी भी नहीं पिलाया मैंने, अभी पहले देंगे कबूतर को दाना। तो चलिए देते हैं दाना कबूतर को। तो दोस्तों अभी रोटी थोड़ी कम है आज, तो आज फर्श के ऊपर दाना डाल देंगे इसके ऊपर में। तो दोस्तों आज रोटी नीचे डालेंगे हम थोड़ी यहाँ पे ये जगह पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी कबूतर को रोटी दिया मैंने और कबूतर पानी के बहुत ज़्यादा पैसे हो रखे हैं क्योंकि कबूतर लेट खोला और लेट खोलने के बाद पहले कबूतर को रोटी दिया और अभी कबूतर को देना है पानी और पानी के अंदर क्या डालना है वो दिखाता आपको मैं। और दोस्तों पानी पिलाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा कबूतर ने और दाना खाने को ना, क्योंकि कबूतर ने पानी बहुत ज़्यादा पीने को ना। सारे कबूतर दाना खा रहे, शायद एक दो कबूतर होंगे जो मस्ती में होंगे जैसे दो बार। तो चलिए दोस्तों उनको खाने देते पेट भर के दाना। अब दोस्तों सारे कबूतर दाना खा रहे तो गारंटी की बात है दोस्तों सारे कबूतर पानी भी एक साथ पियेंगे। तो दोस्तों अभी पानी के अंदर हम एक चीज़ ऐड करते थे, जब तक इनका दाना खा के होगा वो टाइम तक के वो दवा पानी के अंदर पूरी ऐड अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तो दवा कौन सी है वो मैं आपको दिखाता। तो दोस्तों दवा ये है बेंडिक्स प्लस, ये किसी भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे इंसान के, देख सकते हैं आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता अभी। दोस्तों अभी सारे कबूतर यहाँ पे हैं और दोस्तों दवा कुछ इस तरीके के देखिए खड्डे से इसको बाहर निकाला मैंने। अभी सारे कबूतर ने दाना खा लिए और कबूतर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे, तो चलिए इसको खोलते भी हम और पानी नहीं पिलाना है दोस्तों, पहले ये दवा डालना है इसके अंदर में, एकदम वाइट कलर की है। दोस्तों सारा कुछ रियल है, शिराजी कबूतर देखिए किस तरीके से आया यहाँ पे पानी किससे। आप दोस्तों आएगा मजा। तो दोस्तों अभी हमने कर दिया हमारा काम, चालू हो गया दोस्तों काम कबूतर का। ये दोस्तों छोटे बच्चों की केरम की दवा है, दोस्तों एक एक कबूतर ने अगर 10 एमएल भी पानी पिया ना, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ एक एक कबूतर ने अगर 10 एमएल भी पानी पिया ना तो कबूतर के पेट के जो कीड़े रहते ना सब खत्म हो जाते। जानबूझ के दोस्तों हमने दिए कबूतर को आज कि हमारे कबूतर के पेट के कीड़े सब खत्म हो जाए।
बस कबूतर नहानी क्यों नहीं है इसके अंदर, ये बात का आपने ध्यान रखना। ये कलसी नहानी कोशिश कर रहा, पानी पिया इसने ये वाला कबूतर, और थोड़ा शेक कर लेते पानी को। ऐसा कुछ पानी हो जाएगा दोस्तों ये, और पानी बहुत ज़्यादा कड़ू है जिसकी वजह से दोस्तों कबूतर पानी पीने में थोड़ा दिक्कत करेंगे, मगर हमारे कबूतर को हमने पहले दाना दिए तो कबूतर में हमारी कोई परेशानी नहीं ऐसी। और मेरा बच्चे वाले कबूतर भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे कबूतर ने पानी पी के बैठे अभी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इससे होता क्या है। दोस्तों इससे जो कबूतर के पीठ के कीड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, और जो कबूतर दोस्तों ऐसे मतलब कबूतर खाता पीता फिट है, मगर दोस्तों कबूतर की हड्डी निकल रही है, कबूतर दिन पे दिन कमज़ोर हो रहा है। कबूतर फिट है मगर उसकी हड्डी निकल रही है, तो ये वही रीज़न रहता है कि कबूतर के पेट में कीड़े रहते हैं। जो दोस्तों कबूतर जितना भी खाना खाता है तो खाना कीड़े खाते हैं, ना कि कबूतर का अंकु लगता है। तो ऐसा ही कोई काम होता है दोस्तों। पानी छान देते हैं दोस्तों अभी हम। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी मैंने कबूतर को फाइनल दाना दिया हूँ, जो मैं सुबह के टाइम पे देता हूँ अभी कबूतर को। सारे कबूतर दाना खा रहे, और पहली बार में कबूतर ने पानी पी लिया था सारे कबूतर ने। अभी फिर से कबूतर ये दवा का पानी पी लेंगे, तो फिर ये पानी में फेंक दूंगा, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा अपडेट करके। देखिए तकरीबन सारे कबूतर दाना खा रहे और ये पानी पी रहे दवाई का, जिससे आपके कबूतर के पेट के कीड़े और मतलब पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब वीडियो में बने रहना, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी आप देख सकते हैं सारे कबूतर किस तरीके से दाना खा रहे, सारे कबूतर मस्ती में, और सारे कबूतर ने पानी पिया वाला। अगर 10 ml भी पानी पीते हैं कबूतर तो बहुत है उनके लिए इतना। एक एक आ रहे, एक एक पानी पी रहे, और एक एक फिर से दाना खाने जा रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी दोपहर का टाइम है, और सारे कबूतर बंद कर दिया मैंने। और ये देखिए आप, ये पानी है ये बेंटिक्स प्लस का। इस दवा का आप स्क्रीनशॉट निकाल के किसी भी मेडिकल स्टोर में दिखाएंगे तो आपको बराबर इजीली तरीके से दवा मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी दवा नहीं है। तो हमने पानी पिलाया कबूतर को, और ये पानी को सिर्फ आपको एक ही बार पिलाना है। अभी पानी को हम फेंक देंगे एक टाइम में बस। जैसे दोस्तों मैंने सुबह पिलाया तो आपको भी सुबह पिलाना है, और शाम में आपको सादा पानी पिलाना है, सिर्फ एक ही बार पिलाना है पानी। ये पानी हमने पूरा वेस्ट कर दिए, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर या 3 लीटर के कुंडे में आपको सिर्फ एक वाटर पूरी पलटाना है वाली। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लीटर के कुंडे में ये एक वाटर पानी पलटाना है, और पूरे कबूतर को पिलाना है आपको, और एक ही बार पिलाना है। तो आप भी अपने कबूतर को ऐसा करिए, और इसका रिज़ल्ट मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो आज सुबह हमने कबूतर के लिए डी वार्निंग करे थे, तो दोस्तों वो पानी हमने पलटा दिया था जैसे कि आपको मालूम है। तो अभी शाम का टाइम है और मैं कबूतर खोलने आया था, तो दोस्तों अभी कबूतर खोलूँगा और कबूतर को मैं सादा पानी पिलाऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैंने सादा पानी डाला हूँ शाम का टाइम में, सुबह दोस्तों अपने दवाई का पानी मिला था इसमें, तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है और कबूतर खोला था मैंने, और अभी कबूतर के पेट में से देखिए मतलब निकला, कोई मतलब बोलते कोई जज बोलते, तो ये कबूतर के पेट में बहुत ज़्यादा इनको परेशानी करता, तो ये पानी पिलाने का ये फ़ायदा है देख सकते हैं आप अभी दोस्तों। और दोस्तों पहले दिन दोस्तों कबूतर ने अपना रिजल्ट दिखा दिए, अब दोस्तों कल जो नेक्स्ट डे रहेगा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है और मैं छत पर आया हूँ कबूतर खोलने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको सारा कुछ रियल दिखाऊंगा कि कबूतर के पेट में से किस तरीके से कीड़े निकलते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने मेरे कबूतर खोला हूँ, और कबूतर खोलने के बाद सारी बीट साफ करा, तो बीट के अंदर बहुत सारे कीड़े निकले और मतलब निकले लंबे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाना सही नहीं रहेगा ये। तो दोस्तों अभी सारे कबूतर के पेट के कीड़े निकल चुके हैं, और दोस्तों थोड़े कबूतर हल्के आपको लूज दिखेंगे मतलब ऐसे शांत दिखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक लिवर टॉनिक देना पड़ेगा कबूतर को शाम में,
जैसे कल सुबह आपने कबूतर को वो दिए कबूतर की कीड़ों की दवा, तो फिर शाम को सादा पानी देना है, फिर आज सुबह कीड़े निकले तो आज शाम में आपको एक दवा देना है, तो वो दवा मैं आपको शाम में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है और दोस्तों मैं छत पे आया हूँ। और दोस्तों जो हमने कल कबूतर की डीमॉर्मिंग करे थे, कबूतर को जो हमने किरम की दवा दिए थे, जो कबूतर के पेट के कीड़े थे दोस्तों, आज वो सुबह तक के पूरे निकल चुके हैं और कबूतर हल्के से लुस हुए हैं, क्योंकि यार कबूतर के पेट के जो अच्छे वाले कीड़े थे, जो अच्छे वाला मतलब जीवाणु था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी कबूतर को लिवर टॉनिक की ज़रूरत है, तो अभी हम कबूतर को लिवर टॉनिक देंगे। ये दोस्तों पूरी प्रक्रिया है कबूतर की पेट के कीड़े निकालने की, इसको बोलते दोस्तों ब्रूटॉन, ये एनिमल के लिए खासतौर पर। इसके ऊपर जो ढक्कन है इसके ऊपर भी लिखा है एनिमल। दोस्तों पूरी आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको वीडियो में सारा कुछ समझ में आ जाऊँ कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं अभी साफ पानी भरा मैंने, और देना कितना है वो मैं आपको बताऊँगा। खोलते हैं इसको, ये पूरी सील पैक लगी इसकी अभी। अब दोस्तों देना कितना है वो दिखाता दोस्तों, ये मेरा कुंडा है 3 लीटर का, तो इसके अंदर मैं एक ढक्कन डालूंगा। दोस्तों पूरा एक ढक्कन है, इससे दोस्तों कबूतर का जो लीवर रहते हैं वो अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और कबूतर को भूख अच्छी लगेगी, कबूतर मतलब कमज़ोर नहीं रहेंगे। जो कबूतर सुकुए में रहेगा तो ये कबूतर मतलब बीमारी आती नहीं है ये चीज़ से। तो चलिए डालते हैं इसको इसके अंदर। ये दोस्तों बहुत अच्छी इससे आपके कबूतर की जो हड्डी निकली रहती है वो भी अच्छी भर जाएंगी, क्योंकि कबूतर को भूख अच्छी लगेगी, कबूतर अच्छा ज़्यादा खाएगा तो कबूतर का मतलब हर चीज़ अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अभी आप हमने पानी मिलाए, अभी कबूतर खोलेंगे, कबूतर खोलने के बाद ये पानी पिलाएंगे और फिर एक हफ्ते के बाद फिर ये दवा देंगे। और जो हमने कबूतर को किरम की दवा दिए थे जो कबूतर के कीड़े मरने की, तो दोस्तों अभी हमको 4 महीने के बाद देंगे, क्योंकि 4 महीने के बाद फिर कबूतर के पेट में कीड़े होंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ प्रोसीजर था कबूतर की पेट के कीड़े निकालने का। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको की परेशानी हुई तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली अपडेट रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।